झांसी में अंबेडकर चौक पर तैनात होमगार्ड के जवान के साथ बाइक सवार 3 युवकों ने हाथापाई की और होमगार्ड के जवान की वर्दी फाड़ दी। मौके पर मौजूद जवानों ने 2 युवकों को पकड़ लिया, वहीं एक युवक भागने में कामयाब हो गया। सिटी पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालना और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में होमगार्ड के जवान ने कहा कि वह अंबेडकर चौक पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी 3 युवक आए और वह उनके साथ बदतमीजी करने लगे। उन्हें रोका गया तो उनकी वर्दी फाड़ दी। होमगार्ड ने कहा कि वह नशे में धुत लग रहे थे। सिटी थाना के सब इंस्पेक्टर राजीव वीर ने बताया कि होमगार्ड के जवान ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर अंबेडकर चौक पर ड्यूटी कर रहे थे, तभी होमगार्ड जगदीश ने उन 3 युवकों को रुकने का इशारा किया। वह 3 युवक नहीं रुके, कुछ दूर जाकर वो रुके तो उन्होंने जगदीश के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और उसकी वर्दी फाड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने होमगार्ड के जवान की शिकायत पर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये यहाँ अंबेडकर चौक पे अपने होमगार्ड के जवान थे जो सरकारी ड्यूटी कर रहे थे, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ड्यूटियाँ लगी हुई होती हैं, और दौरान ड्यूटी एक मोटरसाइकिल पर 3 नौजवान लड़के थे, उनको होमगार्ड के जवान जगदीश ने रुकने का इशारा करा तो इन्होंने रोका भी कोने, फिर रोका तो उसके साथ बदतमीजी करने लगे और उसके साथ धक्का मुक्की करके उन्होंने उनकी वर्दी फाड़ दी, सरकारी ड्यूटी में बाधा डाली। उनके खिलाफ शिकायत प्राप्त होगी, कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज कर ली गई और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये मसूदपुर गांव के हैं, एक दमाणा गांव का है। क्या नाम है सर इनका? एक का नाम तो बिंटू है और दूसरे का नाम सोनू सुनो फॉर्म पर अशोक कुमार है। सर ये कितने जने थे? 3 व्यक्ति थे मोटरसाइकिल पे। इनके खिलाफ सर कौन से धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा? सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने बारे 353, 186, 34 IPC।